अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, माय व्यूअर्स, कैसे हैं सब? आई होप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो आज मैं बना रही हूँ करीम चाट। तो इसके लिए मैंने ये फ्रूट ले लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट ले सकते हैं। मैंने बनाना लिया एप्पल और ग्रेप्स, और मैंने ये मिक्स फ्रूट जो कैन में होता है वो वाला लिया है। उसकी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, छोटे और बड़े कैन मिलते हैं। तो मैं उसमें वाटर रिमूव कर दूंगी, जस्ट मैं फ्रूट्स उसमें जो है वो डालूंगी। आप पाइनएप्पल ले सकते हैं, वो भी टेस्टी लगता है। और इसके अलावा मैं और भी फ्रूट ऐड करूंगी, बट वो इसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। सो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें, और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आपको नए आने वाली वीडियोज़ मिलती रहे। सो इनको ऐसे क्यूब्स की, स्मॉल स्मॉल क्यूब्स की शेप में आपने काट लेना है सारे फ्रूट्स को। सो मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें मैंने एक प्याली क्रीम के लिए, क्रीम की क्वांटिटी आप अपने फ्रूट के हिसाब से रखेंगे, जितना आपका फ्रूट होगा उस हिसाब से आप क्वांटिटी डालेंगे। और ये मैंने एक छोटा टिन पैक ये लिया है कंडेंस मिल्क का। तो कंडेंस मिल्क भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि मैं फ्रूट्स डालूँगी अभी, बाद में मैंगो भी ऐड करूँगी तो स्वीट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने स्वीट थोड़ी कम रखी है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं कंडेंस मिल्क की। तो मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी और बस फ्रूट इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत मज़े की बनती है ये क्रीमी चाट। मैंने थोड़ी सी पतली कम थिक क्रीम ली है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ज़्यादा थिक वाली क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ फ्रूट्स मैं अब काट के ऐड करूंगी, जैसे मैंगो, कीवी।
सो ये देखिए मैं कीवी अब ऐड कर रही हूँ, बस ये डन होगी, मैं इसको मिक्स करूँगी और इसको सर्व करूँगी जस्ट एक बाउल में। ये देखिए बड़ी मज़े की बनती है और आप बनाएं, और क्विक रेसिपी है और ट्राई कीजिए, मुझे बताएं कैसी बनी। बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी रेसिपी है। नेक्स्ट आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।